हल्दी हर किचन की शान है, हल्दी के बिना आपकी जिंदगी बेजान है। क्यों, मैं बिल्कुल सही बात कह रही हूँ ना? हल्दी जो है हिंदुस्तानी खाने में डाले जाने वाली एक अहम हर्ब है। चाहे आप दाल बनाएं, सब्जी बनाएं, चिकन बनाएं, कुछ भी बनाएं, लेकिन उसमें आप हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। आमतौर पर खानों में ज़्यादातर लोग हल्दी पाउडर का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि आप जो हैं कच्ची हल्दी का इस्तेमाल करें तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी और आपका खाना देखने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये अदरक की तरह होती है और इसके लेकिन फ़ायदे बहुत होते हैं और जाड़ों में भी आपको फिट रखने में ये एक कुदरत का नायाब तोहफा है। बदलते मौसम में बीमारियों को अपने से दूर रखने के लिए हमें थोड़ी सी सावधानी तो बरतनी ही चाहिए, जिससे कि हम बीमार पड़ने से बच सकें। जैसे सर्दियों का मौसम आ गया है, यही वो वक्त है जब हम बीमार पड़ते हैं और हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं। किसी को नज़ला हो रहा है, किसी को जुकाम है, तो किसी के हाथ पैरों में दर्द है, तो कोई और दूसरी तरह से परेशान है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए आज हम आपको इम्यून बूस्टर हेल्दी का दूध बनाकर दिखाएंगे, जो कि आपकी बॉडी को गर्म रखेगा। रोज़ाना इस हेल्दी ड्रिंक को पीने से आप सर्दी, जुकाम, खांसी, नज़ला, बुखार जैसी कई बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस हेल्दी ड्रिंक को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कच्ची हल्दी होती कैसी है। देखिए, ये अदरक की तरह दिखने वाली कच्ची हल्दी है और ये अंदर से गोल्डन होती है। ये देखिए गोल्डन है और ऑरेंज, गोल्डन ऑरेंज सी है ये। तो ये है आपकी हल्दी, कच्ची हल्दी। अब हमें इसे बनाना कैसे है, तो हम इसके लिए ये करेंगे कि एक गिलास दूध ले लेंगे और उसे बॉईल करने को रख देंगे। उसमें आप ये करेंगे कि एक इंच का टुकड़ा, या तो आप कद्दूकश कर लीजिए और या फिर जो है आप मोटा मोटा सा ऐसी जैसे मैंने काटा है काट लीजिए, और ये आधा इंच का टुकड़ा अदरक का लेंगे, उसको भी ऐसी मोटा मोटा सा काट लें या कद्दूकश कर लें। अच्छा, एक ग्रीन इलायची लेंगे, हरी वाली, वो आप पूरी ले लें और उसे थोड़ा सा क्रश कर लें। और ये काली वाली इलायची, मोटी वाली, ये हम चार पांच दाने ही लेंगे और इसको थोड़ा सा कूट लेंगे। और ये जो है दालचीनी है, एक इंच का टुकड़ा, क्योंकि हम मेडिसिनल दूध बना रहे हैं और इसलिए बना रहे हैं कि ये हमें हर तरह से, हर मर्ज में और तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए फ़ायदेमंद साबित हो, तो इसलिए हमें इसके अंदर कुछ मसाले भी ऐड करने पड़ेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए, मैंने दूध बॉयल होने को रख दिया है, एक डेढ़ गिलास दूध है। तो अब हम, जब आपका ये दूध बॉयल हो जाए तो आप इसके अंदर सबसे पहले डाल देंगे ये अपनी कच्ची हल्दी, उसके बाद अदरक, और ये दोनों तरह की इलायची, और ये छोटा सा टुकड़ा हमारा दालचीनी का। इसको चलाएंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर कम से कम 8-10 मिनट तक हम इसको ऐसे ही पकने देंगे, ताकि हमारी हल्दी और अदरक और जितने हमने स्पाइसेस इसके अंदर डाले हैं खूब अच्छी तरह से पक जाए और अपना अर्क इसके अंदर छोड़ दे। कच्ची हल्दी के अंदर चूंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल कंपाउंड होते हैं, जो कि आबो हवा में मौजूद बैक्टीरिया को जिस्म से दूर रखने में मदद करती है। इसी वजह से सर्दी के मौसम में होने वाली बीमारियां जैसे जुकाम, खांसी, नज़ला, इन सब में कच्ची हल्दी का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है और इसको हमें किसी न किसी तरह से ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कस्टर्ड बना रहे हैं। अच्छा, तो ये हल्दी जो है आपके इम्यून सिस्टम को भी इस कदर मजबूत कर देती है कि आप वायरल इन्फेक्शन से भी
लड़ने में कामयाब हो जाते हैं। सर्दियों में बहुत से लोग जो हैं जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, उसमें भी ये बहुत फायदा करती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि ये जो है आपकी खूबसूरती को निखारने में भी बहुत फायदेमंद होती है। ये उपटन से लेकर बहुत सी क्रीम्स वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। वैसे अगर आप रोज हल्दी को किसी भी फॉर्म में खाएं तो स्किन से जुड़ी तमाम बीमारियां दूर रहेंगी, क्योंकि इसके अंदर खून को साफ करने की क्वालिटी भी पाई जाती है। जख्मों को भरना है तो हल्दी का इस्तेमाल करें, इसीलिए इसको मसालों की रानी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर खसूसियत ही इतनी है कि आप कहीं भी ले लें आप इसका फायदा ही फायदा नजर आएगा। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये पक रही है, और फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखें, नहीं तो ये आपको ठीक से फायदा नहीं पहुंचा पाएगी। अच्छा, अगर वेट कम करना है किसी को तो किसी भी तरह से आपको हल्दी का इस्तेमाल रोज करना होगा। कैसे भी करें आप, चाहे इसका पानी पिएं, चाहे इसका दूध पिएं, या जैसे भी कर लें आप। अगर याददाश्त कमज़ोर हो रही है, डिप्रेशन में रहने लगे हैं, तो उसका दूध पी करके आप हल्दी का आप इससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा ये लिवर को भी बहुत फ़ायदा पहुँचाती है, ब्लड सर्कुलेशन में भी इसका बहुत फायदा होता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये हल्दी जो है एक करामाती हर्ब है, तो आप इसको आजमाएं और इसके फायदे खुद जान जाएं। इन लोगों को वेट कम करना है तो उन्हें ये चाहिए कि हल्के गर्म पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल लें, कच्ची हल्दी डाल लें, या मतलब अगर आपके पास नहीं है मौजूद उस टाइम तो जैसे आप नॉर्मल जो आप खाने में पाउडर वाली यूज़ करते हैं वो डालें, लेकिन कच्ची मिल जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो आप उसमें करेंगे एक गिलास गुनगुने पानी में थोड़ी सी हल्दी और एक चम्मच नींबू का रस और एक चम्मच शहद डाल लें और इसको चला करके सुबह सुबह आप पिए, तो इससे जो है आपको बहुत फ़ायदा होगा और चंद ही दिनों के इस्तेमाल से आपका वज़न कंट्रोल में आने लगेगा। आंवले का जूस 2 चम्मच और इसमें आधा चम्मच हल्दी मिलाकर लेने से डायबिटीज में भी बहुत फायदा होता है, ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। आजकल जैसे ये कोरोना फैल रहा है और लोग परेशान हैं, तो उसमें भी आपको ये फायदा करेगी। आप इसमें रोज इसका काढ़ा, जिस तरह से हम बना रहे हैं ये गोल्डन मिल्क, आप इसको बनाकर पिए या पानी के साथ लिए। मतलब करना ये है कि हमें हल्दी को जिस्म के अंदर किसी ना किसी तरह से ले ही जाना है, तो इसको आप लें, इससे भी आपकी इम्यूनिटी जो है बूस्ट होगी और आप जो हैं बीमारियों से दूर रह सकते हैं। इसके अलावा आप खुद समझदार हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करें, थोड़े हाइजीन रखें, हाथों को सैनिटाइज करें वगैरह, मास्क लगा के रखें। इसके इतने फायदे हैं कि अगर हम बताने बैठे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक मैंने कवर करने की कोशिश करी है। ठीक है, अब ये देखिए 7-8 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम ये करेंगे, या तो आप चीनी डाल लें, बेस्ट तो यही होता है कि आप गुड़ डालें या फिर आप शहद डालें। तो अगर शहद डालना है तो हल्का गुनगुना होने के बाद डालें, और अगर गुड़ डालना है तो आप ये करें कि फ्लेम को ऑफ कर दें उसके बाद डालें, और अगर चीनी डालनी है तो इसके साथ ही 2 चम्मच चीनी आप डाल दें। अपने जायके के हिसाब से ले लें, मतलब अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप ले लें, और अगर कम, और बहुत से लोग तो सादा ही पीना पसंद करते हैं। इस तरह से इसको मिला लीजिए। तो ये लीजिए, हमारा गोल्डन मिल्क बनकर तैयार हो चुका है। चलिए इसको छान लेते हैं और आपको दिखाते हैं। चलिए तो इसको छान लेते हैं।
ये लीजिए आपका इम्यून बूस्टर गोल्डन मिल्क बनकर तैयार है। अच्छा, इसको पीना कैसे है? आप जब रात को सोने जाएं, तो जैसे खाना खा लिया आपने, खाना खाने के बाद 10-15-20 मिनट के बाद आप जब लगे आपको कि आपको नींद आ रही है, तो आपको उसी वक्त ही बनाकर इसको पीना है और पी करके फौरन सो जाना है। इसी तरह आपको लगभग पूरे जाड़े तो करना ही करना है, और ऐसा नहीं है कि आप इसे गर्मी में नहीं कर सकते, लेकिन हाँ थोड़ी सी मसाले कम करने होंगे, क्योंकि गर्मी में तो जिस्म में खुद ही हीट रहती है और आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो ये नुकसान भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें सारे हर्ब्स जो हैं गर्म हैं। तो हम ये करेंगे कि गर्मी में इन मसालों को थोड़ा कम कर देंगे, लेकिन जाड़ों में आप बहुत आराम से इन मसालों को डाल करके अपना ये मसाला दूध बनाकर पी सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे बताई हुई जो रेमेडी है वो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और आप ज़रूर इस दूध को बनाएंगे और अपने जाड़ों को हेल्दी तरीके से गुजारेंगे। रेमेडी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर एक किसी अच्छी और फायदेमंद रेमेडी के साथ।